जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ फारूक बोदला भी हैं जो कुछ डिटेल्स हैं इस धरने के बारे में, इस एहतजाज के बारे में। पहले ये एहतजाज था चूंकि अब ये धरना इसलिए हो चुका है कि सब ने यहाँ पर चटाइयाँ बिछा ली हैं, यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो लेट चुके हैं अपने बिस्तरों के ऊपर, खाना वगैरह भी खा लिया है, इसलिए ये अब धरने की शक्ल इख्तियार कर गया, ऐसा ही है जी? बिल्कुल, चूँकि ये सुबह आए थे तो एहतजाज कर रहे थे। अब चूंकि जब इनके साथ मुज़ाकरात इन्होंने किया हाजिर शाद की सरबराही में पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के सीनियर अफसरान के साथ, जो कि उसके बाद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इनकी मुतालबात की मंजूरी के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो 3700 महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की 3700 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनकी जो बरतरफी का नोटिफिकेशन हुआ था उसको कलदम करार देने के मुतालिक जो अलग नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अच्छा, अंदर से आने वाले अफसरान ने इनको कह दिया है कि आपके मुतालिबात माने गए हैं, फिर ये क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? बिल्कुल, डेप्यूटी सेक्रेटरी साहब ने आके खुद यहाँ पर अनाउंस किया कि आपके मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं, जिसके मुतालिक बाकायदा तौर पर आपका महकमे से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, और जो कमिंग फ्राइडे है, आइंदा आने वाला जुमा है, इसके रोज तमाम जो सेक्रेटरीज हैं मुतलका और मुतलका अफसरान हैं उनको भी हिदायत जारी की जाएगी कि आपका आपके मुतालबात मिनो एंड तस्लीम करके बाकायदा अहकाम जारी किए। क्यों नहीं जा रही है? उसके बाद ये मुजाहरीन का कहना है कि चूंकि ये 2-3 दिन का हमें वादा किया गया है तो ये लॉलीपॉप हो सकता है, तो हम इस एहतजाज को, इस धरने को कंटिन्यू करेंगे उस 2-3 दिन तक, ताकि हमें हमारा नोटिफिकेशन, हमारी बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो हम लेकर यहाँ से उठें। ठीक है फारूक, आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। आपके मुतालिबात माने गए, फिर क्यों नहीं जा रहे अपने घरों को? हमारे मुतालबात माने नहीं गए, हमें ये तसल्ली दी गई है कि आपके मुतालबात कमिंग फ्राइडे तक मान लिए जाएंगे। हमारी समरी जो है वो आपको कैसे मालूम कि ये सिर्फ तसल्ली है और मुतालबात नहीं माने गए? ये पहले भी ऐसा होता रहा है, गवर्नमेंट ऐसे करती रही है, हो सकता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। हमें 5 माह की सैलरीज नहीं मिली और हमारे चूल्हे ठंडे नहीं मिली, सैलरीज नहीं, बिल्कुल। कौन कौन से मुलाजमीन हैं जिनको? 30 अज़ला हैं, जिनमें से सिर्फ 8 अज़ला के मुलाजमीन को सैलरी मिली है, बाकी के जो मुलाजमीन हैं उनको 5 माह की सैलरी, और 5 माह आपने सर्विसेज बगैर सैलरी के दी? सर्विसेज रेगुलर दे रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम अपने काम में कोताही नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात मानने से इनकार कर रही है। सैलरी नहीं मिल रही फिर भी काम कर रहे हैं? जी काम कर रहे हैं, इसी आस पे काम कर रहे हैं कि जी तनख्वाह मिल जाएगी। जी जी, जो आप मुआहदा हुआ है ना हमारा ऑफिसर्स के साथ, उसमें मुबालगा रही है, उसमें वो कोई लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसे जुबानी है, रिटर्न नहीं है, बस एक तरह का। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं हर दौरे हुकूमत में मुलाजमीन आके एहतजाज करते हैं। इन मुलाजमीन के लिए एक परमानेंट, एक जिसे कहे पुख्ता कानून नहीं है, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई? जी उठाई है, हर दफ़ा उठाई है, हमने पिछले दौर में भी, नून दौर में भी एहतजाज किया है। जी ये नून दौर से ही आ रहा है हमारे साथ ऐसे। तो फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है, इसका हल निकालने के लिए आपने कभी कोशिश नहीं की? की है कोशिश, हमने हर तरीके से कोशिश। क्या कहते हैं हुकूमती नुमाइंदगान, क्या कहते हैं सिविल सेक्रेटरीट, क्या कहते हैं इस कानून के ऊपर? वो कहते हैं जी कानून बन रहा है, समरी बना रहे हैं, इस पर बहुत जल्द अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन ऐसे है जुबानी जमा खर्च है, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? पता नहीं क्यों, कौन ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी कुर्सी है, कौन सा ऐसा दफ्तर है जो नहीं चाहता कि आप लोगों को रोजगार मिले, वो भी परमानेंट? बस ये हमारे जो ऊपर बैठे है ब्यूरोक्रेसी, बस वो कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट चले, उनको कोई नुकसान नजर आता है, पता नहीं क्या है, ये नहीं नजर आता कि ये गरीब आदमी है, गरीब लोग हैं, इनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने फीसें भी नहीं दी, कपड़े भी नहीं है बच्चों के, अब सर्दियाँ आ गई हैं। अच्छा। आपकी आपके मसाइल के पीछे ब्यूरोक्रेसी है? नो मैम, हम ये नहीं कह सकते मैम, आबादी को कंट्रोल करना ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम पॉपुलेशन के लिहाज से 6वें नंबर पर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ने इस बात का नोटिस लिया हुआ है और हमारा केस चल भी रहा है, उन्होंने कहा है कि हम आबादी को कंट्रोल करने के लिए, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, तो हम चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमें मराहत दी जाए, हमें रेगुलर किया जाए तो ये काम हम बखूबी कर लेंगे। फारूक से हम दोबारा से बात करेंगे। फारूक, एक तो मैंने एक पॉइंट समझाना है, उसका जवाब मुझे ज़रूर चाहिए, वो ये है कि हर दौरे हुकूमत में, हर हफ्ते, हर गुजरते महीने में हमें यहाँ पे मुलाजमीन एहतजाज करते नज़र आते हैं, एक कानून क्यों नहीं बना दिया जाता
जिसके तहत इन मुलाजमीन को परमानेंट किया जाए, या फिर ऐसा पुख्ता कानून कि इनको पता हो कि हमने इतने अरसे बाद काम करना है और उसके बाद हमें नौकरियां जो हैं वो हमारी चली जाएंगी, ये परमानेंट और वाज़े पॉलिसी क्यों नहीं है? देखें जी, नून लीग का दौर हो, पीटीआई का दौर हो या कोई और दौर हो, ये बेचारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होते हैं, चाहे वो डेली वेजेस हों या चाहे मुस्तकिल मुलाजमीन हों, ये तनख्वाहों में इजाफा, तरक्कियाँ, तकर्रियाँ और इस हवाले से सर्विस मैटर्स के मुतल्लिक उनके तशवीश और तहफ़ुज़ात हमेशा से रहे हैं। हुकूमत पंजाब को इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक कानून साजी की ज़रूरत है कि बेचारे मुलाजमीन जिनको इस कानून साजी को से हुकूमत पंजाब को कौन रोकता है? कानून साजी में कुछ महकमा खजाना के मामला तो आ जाते हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को भर्ती करती है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद मुलाजमीन बेचारे बेरोजगारी से तंग आए हुए मुलाजमीन की ये एक उम्मीद होती है कि हो सकता है तीन साल बाद हमें मुस्तकिल कर दिया जाए, या मुकर्रर जो मुद्दत होती है मुकर्रर, उसके बाद उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाए इस उम्मीद के साथ। अच्छा फारूक, आखिरी सवाल, जिस सुबह पंजाब में ये ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन का जो ट्रैक हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है, अरबों रुपए लगाकर इतना ह्यूज प्रोजेक्ट बन सकता है, तो ये 16,000, 12,000, 10,000 लेने वाले मुलाजमीन को परमानेंट करना इस पंजाब हुकूमत के लिए क्यों नामुमकिन है? जितने अगर आपने बात की है, ये तो तरजीहात की बात है कि हुकूमत पंजाब की तरजीहात क्या है, आय के इंफ्रास्ट्रक्चर है या लोगों को बेरोजगारी का, लोगों के दरमियान खात्मे का एहसास वो ख़त्म करना है, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? और दूसरी बात यह है कि जो मुलाजमीन हैं सरकारी मुलाजमीन, उनमें इम्तियाज़ कैसे फर्क ख़त्म करना है, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हों, पंजाब असम्बली के हों या गवर्नर सेक्रेटेरिएट के हों या वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के हों, अगर उन्हें एक अलाउंस दिया जाता है तो वो दूसरे अजला में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए क्यों नहीं है, वो मराहत क्यों नहीं दी जा रही, वो भी बेचारे 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। तो ये बुनियादी मामला है, एक तहफ़ुज़ात का शिकार मुलाजमीन इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि जब एक बहुत शुक्रिया फारूक, और बहुत अच्छी आपने बात की कि ये तमाम चीज़ें तरजीहात के ऊपर इन्हसार करती हैं। नाज़रीन, दौलत की मुनसिफाना तकसीम जिस माशरे में नहीं होगी वहाँ के लोग इंतशार का शिकार ज़रूर रहेंगे और इसी तरह से आपको एहतजाज करते दिखाई देंगे। आज हमने बात की है इन मुलाजमीन से, इनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाई हैं, इनके बच्चों की मुलाकात आपसे करवाई है और हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से और किस सूरत हाल में ये अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और कितनी छोटी सी तनख्वाह में ये पूरी की पूरी जो फैमिली है वो गुजारा करती है। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब से मुलाकात करनी है। ये जो एहतजाज है इसकी वजह से पूरा लाहौर जाम है और जो एम्बुलेंस सर्विस है वो किस तरह से मुतासिर हो रही है और क्या ये सिविल सेक्रेटरीट ने इन एहतजाजियों के सड़कों पर आने से कबल क्या ट्रैफिक पुलिस को लूप में लिया, क्या इस एहतजाज के हवाले से उनको बताया गया या नहीं, इस सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हमारे साथ हैं।